अगर आप बेसिक स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और आपका किसी बैंक में खाता है तो आपको एक बात से सावधान होने की जरूरत है। ज्यादातर लोग अपने फोन में कई तरह के ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं। हो सकता है कि ज्यादातर ऐप्स आपके काम के हों, लेकिन कभी कभी आप कुछ ऐसे ऐप्स गलती से डाउनलोड कर लेते होंगे। लेकिन अब हम जिन ऐप्स का नाम आपको बताने जा रहे हैं, उन ऐप्स को आप नहीं इंस्टॉल करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आपको फोन में मैसेज के जरिए कोई लिंक आता है और आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए इनमें से कोई भी स्क्रीन शेयरिंग ऐप, एनी डेस्क, क्विक सपोर्ट, एंड्रॉइड और टीम व्यूअर नाम के ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता है तो भूल कर भी इन्हें डाउनलोड न करें। अगर आप इन्हें डाउनलोड कर लेंगे तो यह आपके बैंक के खाते के लिए बेहद ही नुकसानदायक होगा। इससे आपके खाते में जमा की गई पूरी राशि को चपेट लग सकता है। इसका मतलब आपका पूरा खाता खाली हो सकता है। होता क्या है, अगर आप इन चारों में से कोई भी ऐप या अन्य कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके फोन को कहीं से भी इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएगा। फिर आपके मोबाइल पर आने वाले OTP, UPI व ATM क्रेडिट कार्ड पिन आदि की जानकारी ठगों को हो जाएगी। वे चंद मिनट में आपकी ई वॉलेट व बैंक खाते को खाली कर देंगे। इन ऐप्स को स्क्रीन शेयरिंग ऐप कहते हैं। स्क्रीन शेयरिंग मतलब आप जो अपने फोन में कर रहे हैं उसे कोई भी व्यक्ति या ठग इन ऐप्स के सहारे अपने दूसरे फोन या कंप्यूटर में देख सकता है। आपको बता दें कि इन चारों ऐप को नहीं इस्तेमाल करने के लिए मध्य प्रदेश में साइबर पुलिस के ग्वालियर जोन ने एडवाइजरी जारी की है। सोशल मीडिया पर अपील की गई है कि इस तरह के ऐप से सावधान रहे। साइबर पुलिस ने काफी विश्लेषण के बाद पाया है कि साइबर अपराधियों ने ठगी का यह नया तरीका निकाला है। इसमें वह इन स्क्रीन शेयरिंग ऐप का उपयोग कर रहे हैं। ध्यान रहे कि ठगों द्वारा यह लिंक मैसेज या अन्य किसी माध्यम से लोगों को यह स्क्रीन शेयरिंग इंस्टॉल करने के लिए एप्लीकेशन भेजी जाती है। इसको इंस्टॉल करते ही आपके फोन को इन ठगों द्वारा रिमोट एक्सेस यानी दूर से कब्जे में ले लिया जाता है। आपको बता दें कि स्क्रीन शेयरिंग के बाद कुछ भी गोपनीय नहीं रहता। जो भी आपके फोन से आप करते हैं वह ठगों को दिखता है, चाहे वह क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड पिन की जानकारी हो या कुछ और। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किस कदर तक लोगों के लिए बुरा हो सकता है। पिछले कुछ समय से इस तकनीक के सहारे ठगी होने की शिकायत की गई है। इसी कारण आम लोगों को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एडवाइजरी जारी की गई है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। Patreon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पेट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पेट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पेट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पेट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।